इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मुंबई शहर जो कभी सोता नहीं है, उसका एक ऐसा चेहरा भी है जिसके बारे में शहर के बाहर के बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल मुंबई कई शक्तिशाली देवियों का भी शहर है। मुंबई की देवियों की पड़ताल के लिए हमने मुंबा देवी से लेकर माहिम तक का सफर किया। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की मुंबा देवी मंदिर से, जिसके नाम पर मुंबई का नाम पड़ा है। ये मंदिर पुराने फोर्ट इलाके में जवेरी बाजार में स्थित है। कहा जाता है कि ये कभी स्थानीय कोली अथवा मछुआरों का एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। विशेषज्ञों का मानना है कि देवी का मौलिक नाम मुंगा देवी रहा होगा। मुंगा एक महत्वपूर्ण कोली आदिवासी समुदाय का नाम है। मुंगा देवी नाम समय के साथ बदलकर मुंबा देवी हो गया, लेकिन शहर के नाम को लेकर सिर्फ ये ही एक किस्सा नहीं है। अगर देवियों की बात कही जाए तो मुंबई की जो सात बेटे द्वीप है, वो द्वीप समूह में सबसे पहले क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो मुंबा देवी ही सबसे पहली देवी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि उस सप्तद्वीप में 13 से लेकर 18 तक की सदी में कोली लोग रहते थे और वो दरियावर्दी थे, यानी समुद्र पर अपना व्यापार भी करते थे, मच्छीमारी भी करते थे। तो एक कोली था, उसके सपने में एक देवी अम्मा आ गई और उसको दूसरे ही दिन वो देवी की एक मूर्ति मिल गई, तो उसने उसकी स्थापना की। ऐसे एक दंत कथा कही जाती है कोली समाज में, और उन्होंने वो देवी की प्रार्थना करके उसका नाम मुंगा देवी रखा था। मुंगा क्योंकि एक ट्राइब का नाम होता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कोली समाज में, और मुंगा का मुंबा हो गया। लेकिन हमें 14वीं सदी के बाद एक संस्कृत स्थल महात्म्य मिलता है, स्थल महात्म्य यानी स्थल पुराण, जिसका नाम है मुंबा देवी महात्म्य। उसमें एक मिथ लिखी गई है या कथा लिखी गई है, एक नैरेटिव है कि गुजरात सुल्तान के वक्त यानी 14वीं सदी में गुजरात सुल्तान ने मुंबई के ऊपर आक्रमण किया और उनका सेनापति का नाम था मुबारक खान, और मुबारक खान ने यह पूरा मुंबई इलाका, मुंबई सप्तद्वीप और षष्ठी द्वीप अपने कब्जे में लिया, और गुजरात सुल्तान का वो मुबारक खान का अमल यानी शासन ये पूरे मुंबई इलाके में चालू रहा। लेकिन वो बहुत बेदर्द और ख़तरनाक प्रशासक था, इसके लिए सारी जनता वो बहुत त्रस्त हुई थी। तो उन्होंने अपने देवी माँ की शरण ली और देवी माँ ने कहा कि ठीक है, मैं उसको परास्त कर दूंगी। और फिर एक युद्ध हुआ और देवी माँ ने वो मुबारक खान का पराजित किया। मृत्यु को सामने देख रहा था तब उसने देवी माँ को कहा कि मैं तो अभी नहीं रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश यह है कि आप यहाँ मुंबई में रहिए और मेरा नाम ले लीजिए। तो इसके लिए उसका मुबारक खान से उसका नाम मुंबा देवी हो गया। मुंबा देवी की एक पूरी हिस्ट्री हमें 1700 साल के बाद पूरी मिलती है, क्योंकि वहाँ एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ के ट्रस्टीज लोग हैं, पहले कोली थे, फिर बाद में पाचकर्षी समाज जो वो भी एक मुंबई का आदिम समाज है, फिर धीरे धीरे ब्रिटिश काल में जब गुजराती और भाटिया समाज के लोग यहाँ काफ़ी स्थलांतरित हुए और उनका पूरा व्यापार उनके हाथ में था, तो 1800 के बाद ये टेंपल ट्रस्ट के मैनेजमेंट में गुजराती समाज के भी ट्रस्टी हो गए और ये पूरा मंदिर सिर्फ कोली लोगों का मर्यादित न रहते हुए सभी हिंदू समाज के लिए या सभी मुंबई के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंदिर बना। मुंबा देवी मंदिर का मूल स्थान उसी स्थान पर था जहां आज छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन है। सन 1737 में अंग्रेज सरकार ने फोर्ट इलाके के विकास के लिए मंदिर का स्थान बदल दिया था। मुंबा देवी मंदिर कोली समुदाय का महज एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि ये आज शहर का एक लैंडमार्क भी है। लेकिन कोली समुदाय के लोगों की संख्या
आज शहर में बहुत कम रह गई है। मुंबा देवी के बाद हम पहुंचते हैं प्रभा देवी, जो मुंबा देवी से करीब 7 किलोमीटर दूर है। इस इलाके का नाम भी इसी मंदिर के नाम पर रखा गया है। मुंबा देवी को जहां सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, वहीं प्रभा देवी मंदिर की मूर्ति उससे भी पुरानी बताई जाती है। हमें ये जानकारी बिम्बा ख्यान या महिकावती जी बाखर ग्रंथ से मिली है, जो आरंभिक 14वीं शताब्दी में लिखी गई कविताओं का एक संकलन है। इस संकलन से हमें पता चलता है कि राजा बिम्बा देव और उसके साथी 13वीं शताब्दी के अंत में गुजरात के पाटन से आकर मुंबई इलाके में बस गए थे। इस पुस्तक से ये भी पता चलता है कि राजा के लोग पाटन से अपने साथ यहाँ मूर्तियां भी लेकर आए थे। आज के पाठारे प्रभु संप्रदाय खुद को राजा बिम्बदेव के अनुयायियों का वंशज मानते हैं। बहरहाल प्रभा देवी इलाके में स्थित प्रभा देवी मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि प्रभा देवी मंदिर का मूल स्थान वर्ली के किले के पास हुआ करता था। इंटरेस्टिंगली प्रभा देवी बम्बई के देवियों में सबसे पुरानी है, क्योंकि ये जो प्रताप बिंब राजा था उसकी कुलदेवी प्रभा देवी थी, और जब उसने मुंबई द्वीप के ऊपर अपना शासन प्रस्थापित किया तब उसने प्रभा देवी की स्थापना की। और वो प्रभा देवी आज की जगह नहीं है, वो वरली में जो एक किला था उसके नीचे उन्होंने बनाई थी, फिर बाद में वो आज की जगह आ गई। इसके लिए आज भी प्रभा देवी में दो भाग है, एक दुनी प्रभा देवी ओल्ड प्रभा देवी और एक नया प्रभा देवी लोअर एंड अपर जिसे कहते हैं उस तरीके की है। आज भी महाराष्ट्रियन समाज में जो पाचकर्षी लोग हैं पाठारे प्रभु है उनकी कुल देवता प्रभा देवी है। प्रभा देवी है सबसे ओल्ड देवी होने के बावजूद भी आज के मुंबई के धार्मिक इतिहास में उसका महत्व थोड़ा कम हो गया है। शायद उसका जो मंदिर है वो इतना अच्छा नहीं होगा लोगों के लिए, या शायद वहाँ के एक गली में बसा हुआ है तो आने जाने की सुविधा नहीं होगी, या शायद अभी यानी गत 200 साल से उसी नज़दीक एरिया में सिद्धि विनायक जैसा एक बड़ा पॉपुलर मंदिर और एक कल्ट सामने आया, इसके लिए उसका महत्व थोड़ा कम हुआ होगा। प्रभा देवी से कुछ ही मिनट के फासले पर रिहायशी इलाके में है कालिका माता मंदिर। ये भी पाठारे प्रभु समुदाय की कुल देवी है और कालिका माता को दुर्गा का अवतार माना जाता है। काली जो रूप है वो संहार का रूप है, और इसके लिए काली कालिका कालका ये सब अलग अलग प्रकार के नाम एक ही देवी के हैं। और ये देवी ये जो सोमवंशी क्षत्रिय है पाठारे प्रभु है ये जो मुंबई के आदिम रहीवासी है समाज है उनकी कुल देवता रहती है। तो दादर में कालिका माता मंदिर का एक मंदिर है, धारावी में भी हमें मिलता है, या माहिम में भी एक छोटी गली में काली माता मंदिर है। तो कालिका माता इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट डीटी इन मुंबई। कालिका माता मंदिर से उत्तर दिशा की तरफ जाने पर आपको माहिम में शीतला देवी मंदिर मिलेगा। इस मंदिर का उद्भव काफी रहस्यमय है। ऐसा अनुमान है कि 13वीं शताब्दी में राजा बिम्बदेव ने जब ठाणे जिले में केलवे की जगह माहिम को अपनी राजधानी बनाया तब वो शीतला देवी को अपने साथ यहाँ लेकर आए होंगे। राजा बिम्बदेव ने पाटन से आकर पहले केलवे को ही अपनी राजधानी बनाया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि केलवे में भी एक बहुत प्राचीन शीतला देवी मंदिर है। केलवे को केलवे माहिम भी कहा जाता है, लेकिन इन तमाम बातों का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। हमें देखा जाता है कि जैसे देवियों का मूल कार्य ही रक्षण करना है, तो ऐसा कहा जाता है कि देवी देव देवताओं के दो फंक्शन रहते हैं, एक मेलिवेलेंट एक बेनिवेलेंट। मेलिवेलेंट मतलब किसी को कुछ पीड़ा देना। तो ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त उतना विज्ञान तकनीकी ये नहीं था, इसके लिए जो बच्चों की जो बीमारियाँ होती है जैसे कि मिजल्स या चाइल्ड चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स ये सब देवी के रोष के कारण होती है ऐसा कहा जाता है, और उसमें से एक है शीतला देवी। और ऐसा कहा जाता है कि जो चिकन पॉक्स होते हैं
वो शीतला देवी के कारण होते हैं। लेकिन उसका नाम शीतला क्यों है? फिर ऐसा कहा, वो मिथ ऐसी है कि अगर बच्चों को चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हो गए तो उसका हरण करने वाली ये शीतला देवी है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो सब डिसीजेस से रोग है वो किसी विषाणु के कारण होते हैं, और इस रोग में शरीर में बहुत गर्मी होती है और अपना शरीर का तापमान बढ़ता है, तो शीतला देवी उसको शीतल कर देती है, शांत कर देती है, इसके लिए उसका नाम शीतला रखा गया है। अन्य देवियों की तरह शीतला देवी से भी कई काल्पनिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिस पर आज भी लोग विश्वास करते हैं। यहां से हम पहुंचे महालक्ष्मी मंदिर, जो हाजी अली दरगाह से थोड़ी ही दूर है। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज समुद्री सीमा पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहे थे और सातों द्वीपों को जोड़ रहे थे, तब ये काम पाठारे प्रभु समुदाय के भवन निर्माताओं और ठेकेदारों ने ही किया था, और महालक्ष्मी मंदिर का इस संप्रदाय से बहुत गहरा नाता है। बॉम्बे आइलैंड और वर्ली आइलैंड, इसके बीच में दरिया का पानी अंदर आता था और वो दोनों आइलैंड अलग रहते थे, तो बहुत ट्राई किया वो वहाँ पे बंद बनाने का, जो आज हम हाजी अली से वर्ली तक जाते हैं वो रास्ता है, अगर आप देखो तो ये रास्ता जो बना है वो एक्चुअली बंद है, तो बंद ही नहीं रहा था, कितनी भी कोशिश की तो वो टूट जाता था। तो महालक्ष्मी, महाकाली और माँ सरस्वती, ये तीन देवियाँ है, वो पाठारे प्रभु कॉन्ट्रैक्टर के ड्रीम में आई और उन्होंने बोला कि हम समुंदर के अंदर एक जगह पर हमारी ये पड़ी हुई है मूर्तियाँ, उसको आप एक मंदिर बना के उसमें रख लो, आपका काम हो जाएगा। तो उन्होंने बनाया, जो आज महालक्ष्मी टेम्पल है, वो बनाने के बाद उन्होंने जब भी बंद बनाया तो बंद टूटा नहीं। तो ये कहावत है। इन मंदिरों के अलावा कई और छोटे मंदिर भी हैं, जहां गांव वालों की देवियां विराजमान हैं। ये गांव तब के हैं जब मुंबई सात द्वीपों का समूह हुआ करता था। इन देवियों में ग्रांट रोड की गांव देवी और बांद्रा तथा अंधेरी में जरीमरी माता मंदिर शामिल हैं। आज मुंबई के उस प्राचीन इतिहास को जानकर हैरानी होती है, जहाँ छोटे छोटे समुदाय और गांव फला फुला करते थे। आज शहर के बाजारों और रिहायशी इलाकों में प्राचीन मंदिर खोसे गए हैं। लगातार चल रहे निर्माण कार्य की वजह से इन मंदिरों को बचाना और बड़ी चुनौती हो गई है, और इनमें से कई मंदिरों का सही तरीके से रेनोवेशन नहीं किया जा रहा है। रिनोवेशन के नाम पे बाथरूम टाइल्स लगाए जाते हैं, ऑयल पेंट लगाया जाता है, मंदिर का स्वरूप ही बदला जाता है। मंदिर का जो जगह है वो धीरे 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 कम होती जा रही है, क्योंकि आजू बाजू में इतना इंक्रोचमेंट होते जा रहा है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, इसके लिए बड़े बड़े बिल्डिंग टावर्स, ये स्काई टावर्स, ये सब बनाए जाते हैं, तो वो जगह कम हो जाती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे रहती है कि ये जो रिचुअलिज्म है वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, मतलब पूजा अर्चना चालू होगी शायद, लेकिन उसका जो मेन मीनिंग था, उनके जो फंक्शन थे, एक्चुअली इन अर्लियर डेज पुरातन काल में मंदिर एक कल्चर, मतलब टेंपल इज अ सेंटर फॉर कल्चर, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल मंदिरों में जाते कौन है? जो बूढ़े लोग हैं वो जाते हैं, या कभी कभार एग्जाम है तो युवा लोग जाते हैं, या दिवाली हो या कोई नवरात्रि हो तो सिर्फ दर्शन करने जा रहे हैं जाते हैं। मंदिर का एज अ कल्चर सेंटर करके जो फंक्शन था वो कब का बंद हो चुका है, क्योंकि बाकी सब एवेन्यू समय मिल गए हैं, तो मंदिर एज अ सोशलाइजिंग प्लेस नहीं हो पा रहा है, मतलब नहीं हो रहा है। मंदिर का रिलेवेंस एक दो तरीके से होना चाहिए, एक तो इतिहास, एंशंट हिस्ट्री और कल्चर के हिसाब से उसका एज अ हेरिटेज, वो विरासत का हमें स्वीकार करके उसका संरक्षण करना चाहिए, और वही हम आज नहीं कर रहे हैं। भारत की व्यावसायिक राजधानी मुंबई पर कई देवियों का आशीर्वाद है। इन देवियों के मंदिर में दर्शन के लिए हजारों लोग आते तो हैं, लेकिन इन मंदिर को संरक्षित करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। आस्था के प्रतीक इन ऐतिहासिक मंदिरों को तभी बचाया जा सकता है जब लोगों को इसके इतिहास और संस्कृति के प्रति जागरूक किया जाए।